अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक द ह्यूमन बॉडी इसके बुक पेज नंबर 15 करेंगे। इट इज अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, कि जो हम फूड खाते हैं वो किस तरह से हमें डाइजेस्ट होती है, किस तरह से वो पूरी बॉडी के अंदर जो है वो एनर्जी किस तरह से जाती है, ये सारा कुछ, ये सारा सिस्टम जो हमारा है आज हमने इसके अबाउट पढ़ना है। यहाँ पर सामने आपको डायाग्राम नजर आ रही है, आपकी बुक पर भी ये डायाग्राम है, ठीक है। अब वहां से भी देखें, सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम फूड खाते हैं तो खाना जब खाया तो सबसे पहले क्या है, वो हमारे मुंह के अंदर जाएगा, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डाइजेशन का सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारे माउथ से ही। सबसे पहले जब हम फूड खाएंगे तो वो हमारे मुंह के अंदर एंटर होगी, फिर यहाँ से क्या है, हमारी टंग के अंदर, मुंह के अंदर जो स्लाइवा है वो स्लाइवा उस फूड को ब्रेक डाउन कर देगा, ब्रेक डाउन करके उसके छोटे छोटे पीसेस में उसे कन्वर्ट करेगा ताकि वो हमें इजीली स्वालो हो जाए। फिर क्या होता है, हमारे टीथ और टंग भी इसके साथ हेल्प आउट करते हैं, उस फूड को मजीद स्वालो करने में हेल्प आउट करते हैं ताकि जो फूड है वो इजीली हमारे थ्रॉट से गुजर सके। इसके बाद क्या है, हमारे यहाँ पर थ्रॉट में एसोफिगस होती है, ठीक है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है और उस लॉन्ग ट्यूब को क्या कहा जाता है, एसोफिगस। और एक अडल्ट इंसान के अंदर ये तकरीबन 8 मीटर तक लॉन्ग होती है, 8 मीटर, ठीक है। फिर यहाँ से हमारे एसोफिगस में एंटर होगी फूड, जब हमारे एसोफिगस में एंटर होती है फूड तो यहाँ से वो और ज्यादा क्या करती है, मॉइस्ट होना शुरू हो जाती है और फिर इजीली क्या है, हमारी बॉडी के नीचे वाले पार्ट यानी कि हमारे स्टमक में एंटर होगी। जब यहाँ से फूड हमारे स्टमक में एंटर होगी तो इसके क्या बाद क्या होगा, स्टमक में क्या जब फूड जाएगी वहां पर जाके फूड जो है वो और ज्यादा डाइजेस्ट होगी इसके अंदर, क्योंकि स्टमक के अंदर जो है वो गास्ट्रिक जूसेस वगैरह होते हैं, वो फूड जो बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं वो फूड को क्या कर देते हैं, मिक्स करते हैं, उसका एक पेस्ट सा बना देते हैं, ठीक है। और जो अडल्ट ह्यूमन होता है उसके अंदर जो एसोफिगस है, ठीक है, वो हमारी एसोफिगस जो लॉन्ग है उसकी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर तक वो लॉन्ग होगी, ठीक है। अब जब हम क्या करेंगे, जो फूड जो है हमारे स्टमक में आई है, यहाँ से गास्ट्रिक जूसेस वगैरह जो है जो बड़े एसिडिक हैं वो इस फूड को और ज्यादा डाइजेस्ट करेंगे, उसका पेस्ट सा एक बना देंगे और उस पेस्ट को फिर आगे कहाँ पहुंचाया जाता है, हमारी बॉडी की लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, ये भी डाइजेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फूड को ज्यादातर फूड का जो हिस्सा है वो यहाँ पर आकर डाइजेस्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड आकर डाइजेस्ट होगी, ठीक है, फूड को ये डाइजेस्ट करेगा, ज्यादातर फूड का जो हिस्सा है वो इसको डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। और इसके बाद जो अनडाइजेस्ट फूड है यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं हमें चाहिए है, जो नहीं हमें डाइजेस्ट हुई, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के जरिए क्या होगा, बॉडी से बाहर आ जाएगी। इनके लार्ज इंटेस्टाइन के बाद यहाँ रेक्टम है और रेक्टम के बाद एनस है, एनस से वो क्या होता है, जैसे एक्सेस वाटर जो होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो पहले भी हमने पीछे पढ़ा था कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका साइज स्मॉल इंटेस्टाइन की निस्बत छोटा होता है, क्यों, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये काफी ज्यादा खुली होती है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि इसका जो वो है ना, इसकी चौड़ाई जो होती है वो कम होती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के मुकाबले में जरा पतली होती है, इस वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बड़ा होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का साइज छोटा होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। तो ये सारा हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो नरिशिंग होते हैं, जो फूड मटेरियल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो तो हमारी बॉडी में आके डाइजेस्ट हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसके अलावा जो नहीं हो सके वो कहाँ चले जाते हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और वहां से भी रेक्टम के जरिए हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो देखें कि किस तरह से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ डाइजेशन का, मुंह से स्टार्ट हुआ, पहले हमारे मुंह के अंदर फूड गई, वहां से फिर आगे हमारे टीथ ने और हमारी टंग ने इसको हेल्प आउट की और ज्यादा डाइजेस्ट करने में। इसके बाद क्या हुआ, हमारे एसोफिगस में आई, एसोफिगस के बाद वो हमारे आगे स्टमक में आएगी, वहां डाइजेस्ट होगी, स्टमक में डाइजेस्ट होने के बाद और ज्यादा इसके अंदर जो जूसेस वगैरह हैं वो मिले हैं, फूड और पेस्ट इसका बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हुआ है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा और जो मटीरियल है वो फूड के अंदर मिलेंगे,
ठीक है, जो फूड हमारे लिए सही है यानी कि जो हमें डाइजेस्ट हो सकती है वो हो जाती है हमारे इंटेस्टाइन में, और जो फिर अनडाइजेस्टेड फूड होगी वो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी से बाहर रिप्लेस कर दी जाएगी। तो ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का आज हमने प्रोसेस पढ़ा है, ठीक है। कितना अच्छा अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर ये सिस्टम बनाया हुआ फूड को डाइजेस्ट करने का। कल इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, आप इस पेज को अच्छी तरह से घर में रीड आउट करें। थैंक यू।